हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन. अ सोलेनोइड हैज एन इंडक्टेंस ऑफ 10 हेनरी एंड अ रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम्स. इट इज कनेक्टेड टू अ 10 वोल्ट बैटरी. हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द मैग्नेटिक एनर्जी टू रीच 1/4 ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन अ सोलेनोइड. Stored in a solenoid so the magnetic energy in a solenoid is usko u se represent karte hain that is equal to half into l into I squared. yaha pe l hai the inductance of the solenoid, inductance of the solenoid is the current through the solenoid. तो अभी इस फॉर्मूला के जरिए हम जो क्वेश्चन पूछे हैं कि हाउ लॉन्ग इट विल टेक फॉर द मैग्नेटिक एनर्जी टू रीच 1/4 ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, हम अभी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. सो पहले जो डिटेल्स क्वेश्चन में दिए हैं हम उसको नोट करेंगे. गिवन इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनोइड एल इज गिवन एज 10 हेनरी, रेजिस्टेंस आर इज गिवन टू बी 2 ओम, voltage across the battery, voltage from the battery so V is given to be 10 volts. तो सबसे पहले हम maximum current in the solenoid को calculate करेंगे. so maximum current in the solenoid is, उसको I max से डिनोट करेंगे. सो दैट इज इक्वल टू V by R. सो वी हैव 10 वोल्ट्स, रेजिस्टेंस है 2 ओम्स, सो वी गेट द मैक्सिमम करेंट टू बी 5 एम्पियर्स. तो अभी इसको रख के हम मैक्सिमम एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे. सो मैक्सिमम एनर्जी is U max is half L I max squared. तो ये है half into L का value दिए है 10 हेनरी into I max squared will be 5 squared. So this is 5. तो ये होगा 5 क्यूब. सो दिस इज 125 जूल्स. सो एनर्जी रिड्यूसेस टू, क्वेश्चन में ये दिए है कि एनर्जी रिड्यूसेस टू 1/4 ऑफ द मैक्सिमम एनर्जी. सो देयरफॉर हमें कैलकुलेट कर सकते हैं ई इज ई मैक्स बाई 4. तो ई मैक्स का वैल्यू हमें मिला 125 जूल्स डिवाइडेड बाई 4. हम इस रेशियो को ऐसे ही रखेंगे. अभी देन द एनर्जी रिड्यूसेस टू 1/4, हम अभी करंट को कैलकुलेट करेंगे. सो करंट व्हेन energy is 1/4 of the maximum energy, so that will be U is equal to half L I squared.
और वो हमें मिल रहा है टू बी इक्वल टू 125/4। यहाँ पे ई को हम यू से ही डिनोट करेंगे, दिस इज यू। तो नाउ वी कैन फाइंड आउट व्हाट आई इज, सो इसको रीअरेंज करके वी विल गेट, दिस इज टू टाइम्स, वी विल गेट आई इज इक्वल टू, आई स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 125/L। सो आई इज स्क्वायर रूट ऑफ 125 2L, 2 × 10, सो दिस इज 20, 125/20 इज 25/4। तो करंट व्हेन द एनर्जी रिड्यूसेस टू 1/4 ऑफ द मैक्सिमम एनर्जी इज 5/2 एम्प। तो हम जानते हैं कि इन एन LR सर्क्यूट सो इंस्टेंटेनियस करंट ग्रोज एज और इंक्रीजेस एज, इंस्टेंटेनियस करंट इंक्रीजेस एज, तो इसका फॉर्मूला है आई इज इक्वल टू आई मैक्स इंटू 1 − e^(-RL) इंटू टी। तो अभी हम ये टाइम को इस इक्वेशन के जरिए कैलकुलेट कर सकते हैं। सो वी हैव 5/2 इज इक्वल टू 5 × 1 − e^(-2/10 t, सो दिस इज 1/5। तो यहाँ पे 5 कैंसिल होता है, सो देयरफॉर 0.5 इज इक्वल टू 1 − e^(-t/5, और यू कैन राइट e^(-t/5) इज इक्वल टू 0.5। तो अभी वी विल टेक नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो ये होगा −t/5 इज इक्वल टू लॉन ऑफ 0.5, और वी कैन से टी इज इक्वल टू −5 ln 0.5। वी विल गेट द वैल्यू ऑफ टी टू बी इक्वल टू 3.46 सेकेंड्स। सो देयरफॉर द टाइम टेकन फॉर द मैक्सिमम एनर्जी टू रिड्यूस टू 1/4 ऑफ इट्स वैल्यू is given by 3.46 seconds. Hope you have understood it well. Best of luck.